वो अरब ममालिक के जो इसराइल के साथ किसी मेज पर बैठकर गुफ्तगू करने को तैयार नहीं थे, आप देख रहे हैं कि लाइन लग गई। कभी सिर्फ अनवर सादात ने रिकॉग्नाइज किया था, पूरी दुनिया में शोर मचा था, उस पर लानत मलामत हुई थी। अब तो एक एक करके, वो शाह हसन हो चाहे शाह हुसैन हो, अब तो वहां से वीजे खत्म हो रहे हैं। सऊदी अरब और इमारात, उन्होंने जो कुछ कारोबारी बंदिशें लगाई हुई थी वो खत्म कर दी गई, उनमें नरमी पैदा कर दी गई। ये सूरत हाल है कि वाकईतन इनकी जो आलमी तस्खीर का प्रोग्राम है वो आगे बढ़ रहा है, और बदकिस्मती से उम्मत मुस्लिमा का जो कल्ब है, इस उम्मत का कल्ब उम्मीयीन पर मुश्तमिल है। हुवल्लज़ी बअसा फिल उम्मीयीन रसूलन मिनहुम यतलू अलैहिम आयातिही व युज़क्कीहिम इला आखिरिल आया। हुजूर भी उम्मी थे, इन्हीं में से थे सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, लेकिन आज वो कल्ब जो है आलम इस्लाम का वो यहूदियों के शिकंजे में कसा जा चुका। अक्सर वहां के जो हुक्मरान हैं, अमेरिका के एजेंट हैं, स्टूडीज, ये हालात जहां तक आलम अरब का ताल्लुक है तल्ख हकाइक हैं जो बयान कर रहा हूं, इसलिए कि आपके सामने रहना चाहिए। ये इकबाल ने कहा कि दुनिया को है फिर मार का रूह बदन पेश, इबलीस ने फिर अपने दरिंदों को उभारा, अल्लाह को पामर दिए मोमिन पे भरोसा, इबलीस को यूरोप की मशीनों का सहारा। ये दोबारा एक बहुत बड़े पैमाने पर हक़ो बातिल का घमसान का रंग पड़ने वाला है। मलाहिम की जो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पेशेन गोइयां फरमाई, अल मलहमतुल उज़्मा, तारीख इंसानी की अजीम तरीन जंग जो अभी आने वाली है, उसको समझ लीजिए अच्छी तरीके से कि इसमें जो कुव्वतें एक दूसरे के मुकाबिल आ रही हैं वो कौन सी है। न्यू वर्ल्ड ऑर्डर कहने को अमेरिका के जेर क़यादत है, हकीकत में अमरीका खुद यहूदियों के पंजे में है। ये वही इबलीसी ताकत है जो आगे बढ़ रही है। आलम अरब को फतह करने के बाद अब उनके पास अगला आलम इस्लाम का हिस्सा है, गैर अरब मुस्लिम वर्ल्ड, ईरान है, उसके शिमाल मशरक में तुर्किस्तान है रूसी और चीनी, मशरक में अफगानिस्तान है, पाकिस्तान है, ये एक बहुत बड़ा सॉलिड ब्लॉक है। इसके बाद अगरचे हिंदुस्तान आता है भारत, जाहिर बात है कि वहां मुसलमान अकलियत में है सिवाय कश्मीर के, लेकिन ये नोट कीजिए कि वहां भी कम से कम 15-18 करोड़ मुसलमान मौजूद। आज भी दुनिया का सबसे बड़ा मुल्क जिसमें मुसलमानों की तादाद और जिनकी नफरी सबसे बढ़कर है वो भारत है। उसके बाद फिर इंडोनेशिया मलेशिया है, इससे आगे है फिर फार ईस्ट, अभी इन्हें फतह करना है। न्यू वर्ल्ड ऑर्डर का यूं समझिए कि अभी ये हार्ड नट टू क्रैक, अभी एक लोहे का चना है चाइना की शक्ल में मौजूद। और मुझे याद आ रहा है डीगाल के अल्फाज बहुत से लोगों ने सुने होंगे, उसने कहा था कि हमने खामखा रूस को अपना दुश्मन बना लिया है, वो तो हमारा भाई है, व्हाइट रेसिस, वो तो बुनियादी तौर पर यूरोपियन कौम है, बिवेयर ऑफ द येलो मासेस ऑफ द ईस्ट। तुम्हें घबराना चाहिए, तुम्हें खबर लेनी चाहिए, वो मशरिक बईद के जो जर्द रू लोग हैं, चाइना, इंडो चाइना, जापान, येलो रेस। अभी इस न्यू वर्ल्ड ऑर्डर के लिए जो फतह आलम और तस्खीर आलम का प्रोग्राम है, उसमें पहले गैर अरब मुसलमान दुनिया और फिर ये फार ईस्ट का खास तौर पर येलो मासिस, ये है कि जिन्हें अभी उन्हें टैकल करना है। और इसीलिए मैं करना चाहता हूं, हकाइक हमारे सामने रहना चाहिए। ये 45 बरस के बाद अमेरिका को कैसे ख्याल आ गया कि कश्मीर का मसला वाकई है, साकी ने कुछ मिलाना दिया हो शराब में, ये कहां से राबन राफील आई पिछले साल और मसले को जिंदा करके चल दी। हम खुश हुए अमेरिका ने मान लिया, हकीकत में अमेरिका की नजर है और वो उसको चाहते हैं कि एक और दूसरा इसराइल बनाए, आजाद बनाकर उसको अपने तसल्लुत में ले। इसलिए कि अगर जो प्रोग्राम है
अगर वहां पर फर्ज कीजिए बहुत मुतालबा हमारा मान लिया जाए। या रब्बी फजमानी बिकुल्ली सहब वलअहबाब वक्तुब लना अन नदखुल अलजन्नत बिर्रियान।